नमस्कार, रफ्तार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करनाल के सदर बाजार में एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई। बताया यही जा रहा है कि मोना नामक युवती, जिसका 6 महीने पहले विवाह हुआ था, जिसकी आज करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मोना की मां की बात करें तो काफी समय से मोना की मां बीमार चल रही थी, जिस कारण कल शाम को उसकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान शाम को जब शव को फ्रीजर में रखा गया तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस फ्रीजर में इतना भयंकर करंट हो सकता है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। वही हुआ, सुबह ठीक 6 बजे के आसपास मोना की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने शमशान घाट के सदस्यों पर आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। क्या बात हुई थी? ये हमारी भाभी जी की डेथ हो गई थी। हाँ जी, हमारी भाभी की मृत्यु हो गई, उसमें मशीन में करंट है। वो कह रहा था कि भाई हमने ठीक करा दी है, हमने भी बिगड़ दे बेध्यानी में लगा ली। सवेरे के टाइम पे वो लाइट चली गई थी, फिर भीड़ में पड़ ज़्यादा होने के कारण वो लड़की बैठ गई उस मशीन से पैर लगा के। लाइट आई तो वो करंट लगा उसको, उसके कारण। कौन सा ये था? हांसी रोड वाला, हांसी रोड लेके आई थी सुधार सभा, हांसी रोड। लड़की के क्या लक्ष्य है? लड़की क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई साफ चाहते हैं, जैसे कार्रवाई होनी चाहिए। और सख्त करी जाए, क्योंकि दो हादसे ऐसे हो गए जिसमें बंदा बच गया, लेकिन तीसरा हादसा ऐसा हुआ है कि जिसमें हमारे परिवार की लड़की ही चली गई है, जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस शमशान सुधार सभा पे कार्रवाई करी जाए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पहले भी दो शिकायत की थी कि इस पे करंट आ रहा है, लेकिन उन्होंने लापरवाही की और मशीन बेचते रहे, और एंड में ऐसा क्या हुआ कि हमारे परिवार का एक बंदा ही चला गया। जब रात को भी कंप्लेंट दी आई है ना मशीन, तब भी जी क्या कहना चाहेंगे? जब ये मशीन रात को लेकर आए थे तो हमने जो कर्मचारी लेकर आया था उससे बोला था कि इसमें करंट तो नहीं है, क्योंकि पहले भी दो ऐसी जगह पे जब ले गए थे मशीनें तो वहाँ करंट आया था, लेकिन इन्होंने कहा कि करंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब चालू करी तो उसमें करंट आया, तो उन्होंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। और जब करंट लगने के बाद जब हमारी बहन एक्सपायर हो गई, तो बड़ा वो है कि हम ये चाहते हैं कि जो शमशान सुधार की कमेटी के मेंबर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट आज नहीं पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम मीडिया कर्मियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा जो कमेटी के मेंबर हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस ज़्यादा कुछ। इससे पहले भी कार्रवाई? हाँ, ऐसे पहले जो कंप्लेंट करी है कार्रवाई नहीं हुई। वो उन्हें करंट लगा था, लेकिन उन्होंने उनसे बोला था कि आप थोड़ा सा अपने कर्मचारी बुलाकर इसको ठीक करा लो, लेकिन ये हमारा वो तो नहीं कि हम ठीक करवाएं, क्योंकि आदमी पहले ही शोक होता है और उसमें ठीक कराने का तो समय होता नहीं। कितने साल की थी आपकी? ये जी 24 साल के लगभग थी, 6 मार्च को। हाँ जी, ये लाड़वा के पास गांव है जी, बुबैन में।